बरेली समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रिबू श्रीवास्तव आज बरेली पहुंची और विपक्ष पर निशाना साधते हुए बोली कि आज हम कई जिलों में दौरे करने के बाद बरेली पहुंचे हैं और उसके बाद बदायूं और अन्य जिलों में भी भ्रमण करेंगे। समाजवादी पार्टी की पूर्व मंत्री महिला सभा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि भाजपा ने कोई ऐसे कार्य नहीं किए जिनसे महिलाएं खुश हों। घर की गृहिणी महिला होती है, आज रसोई गैस सिलेंडर महंगा है और अन्य बातों में देखा जाए तो महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन भाजपा की सरकार को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आने वाले चुनाव को देखते हुए हम सभी जिलों का भ्रमण कर रहे हैं और महिलाओं को एकत्रित करने का कार्य कर रहे हैं ताकि महिलाएं संगठित हो सकें और अपने सही मत का प्रयोग करके आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को जिताएं। महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि आज पूरा प्रशासन सरकार का तंत्र बनकर काम कर रहा है और समाजवादी पार्टी को हराने की कोशिश कर रहा है और जिले में एक सरकारी तंत्र की तरह सभी लोग भाजपा कार्यकर्ता बनके भाजपा को जिताने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जनता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी और कर रही है। और बात की जाए जंतर मंतर पर अपने हक की लड़ाई लड़ रही बेटियों की, तो भाजपा सरकार ना इनकी ओर देख रही है ना उनके हित के लिए कोई कार्य कर रही है। शासन और प्रशासन की पूरी मनमानी है, भाजपा के एजेंट बनके वो लोग काम करते हैं और उनको सबसे ज़्यादा परेशानी, देखिए निर्दलीय इस चुनाव में कितने जीते, क्योंकि उनको निर्दलीयों से परेशानी नहीं है, उनको समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों से और समाजवादी पार्टी को मजबूत होने से परेशानी है। निर्दल बहुत सारे जीते जो भाजपा से ज़्यादा कैंडिडेट निर्दलीय हैं, तो आप वो कैसे जीत गए? तो उनको सिर्फ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को हराने में पूरा इनका शासन प्रशासन लगता है। ये पार्टी हमारी हारी नहीं, और पहले से जो भी कैंडिडेट हमारे हारे भी हैं 2022 में हो या नगर निगम के इलेक्शंस में हो, वो बहुत कम वोटों से हारे, पिछली बार की तुलना में दुगुने वोट पा करके भी वो अगर हारे हैं, तो इसमें शासन और ये सरकार की मंशा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।